सो गाइस आप में से कितने लोगों का ऐसा लगता है कि यार ऑब्रूस गेम में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी गेम एग्जिस्ट करते हैं जिसको खेल के आप लोग जरूर बोलोगे क्या बात है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 ऑब्रूस गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। जिसमें आपको तगड़ा क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ एक रियलिस्टिक कार एंड ट्रैक ऑफ रोड ड्राइविंग देखने को मिलेगा, एंड सभी मिशंस काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एहे, रहा नहीं जाता। और हो सकता है कुछ सारे गेम्स को आपने ऑलरेडी खेले हो। बिसाइड 2-3 गेम ऐसा भी है जिसको आपने लो एंड डिवाइस में मक्खन के जैसा चला सकते हो, तो गाइस एक भी गेम्स को मिस मत करना। नहीं, लास्ट में मेरा फाइनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ, सो वीडियो को स्किप मत करना। एंड सभी गेम का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स बिगिन गाइस, हमारे इस रेस में नंबर 5th रैंक पर है ऑफरोड ड्राइव प्रो। जी हाँ गाइस, ये गेम साज में प्रो लेवल का ही है। क्या आपने ऑफरोड ड्राइव डिजर्ट गेम को कभी खेला है? क्योंकि ऑफरोड ड्राइव डिजर्ट गेम का बड़ा भाई ऑफरोड ड्राइव प्रो जो हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड काफी ज्यादा धुमा चला प्ले स्टोर में। लेकिन दुखी बात यह है ये गेम हमारे कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, बट टेंशन नहीं लेने का, बेस्ट वाइटी गेमिंग है ना। तो बेसिकली इस गेम में आपको ऑफरोड ड्राइविंग करना पड़ेगा, और वो भी डिजर्ट एंड हिल एरिया के ऊपर से। मजेदार बात की यहाँ पे आप टोयोटा इनोवा महिंद्रा थार एंड ट्रक भी चला पाओगे जो साज में होने वाला काफी ज्यादा चैलेंजिंग। एंड मैंने भी इस गेम को ज्यादा नहीं खेला हूँ, क्योंकि अगर आपने एक एक लेवल्स को कंप्लीट करोगे तो न्यू कार्ड्स अनलॉक होता है। और वही बात गेम की ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स क्वालिटी काफी रियलिस्टिक है। एंड एक चीज नोटिस किया है, गेम में जो ग्रास देखने को मिलता है वो बहुत ही डिटेल है, जो मेरे को काफी बढ़िया लगा है। तो भाई अगर आपको चाहिए ऐसा गेम जिसमें रियलिस्टिक हिल एरिया में टॉप मिशन एंजॉय करना चाहते हो, और वो भी टोयोटा इनोवा गाड़ी को लेके, तो फिर ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस सीरीज में नंबर 4th रैंक पर है ड्राइविंग जोन ऑफरोड लाइट। गेम का नाम लाइट है, बट ये कोई लाइट वर्सन नहीं है। एक्चुअली इस गेम में एक लार्ज ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे टोटल 4 ऑफरोड एरिया है, लाइक स्नो एरिया, डिजर्ट एरिया, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। बेसिकली इस गेम में पहले आपको एक नॉर्मल कार दिया जाएगा, एंड आपको एज ए कोरियर काम करना पड़ेगा। ओ वेट, सिर्फ कोरियर जॉब नहीं, साथ में क्लाइंट को ड्रॉप करना, फिशरमैन को नदी के किनारे में लेकर जाना, और बहुत कुछ। एक और इंटरेस्टिंग बात कहूँ कि इसमें आप गाड़ी को लेके रोड को छोड़ के शॉर्टकट में भी जा सकते हो। इनफैक्ट और काफी सारे मिशन खेल पाओगे जिसको कम्प्लीट करके ढेर सारे पैसे इनकम करके खरीद सकते हो ब्रांड न्यू कार्स। इस गेम का ग्राफिक्स एनिमेटेड टाइप देखने को मिलता है, और भाई नाइट टाइम व्यू इतना शानदार है, देख के ही बोलोगे इतना शानदार व्यू कैसे हो सकता है। ओवरऑल इस गेम के अंदर इतना कुछ फीचर्स अवेलेबल है जिसमें आपका पूरी डिमांड फुलफिल कर देगा। अगर आपने इस गेम को ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा गेम को मिस करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम में। फ्रेंड्स हमारे इस सीरीज में नंबर 3rd रैंक पर है ऑफरोड 4x4 सिमुलेटर। इस गेम का साइज अराउंड 100 MB के आसपास, लेकिन एक फायर है, फायर गेम, क्योंकि इस गेम में आपको एक काफी बड़ा लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जिसमें आप कहीं पर भी घूम सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गेम में टोटल 594 लेवल देखने को मिलता है। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर जो और 4th गेम्स है ना, उनको सब मिलाकर भी इतना मिशन नहीं होगा जितना इस गेम में देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा मजेदार मिशन जो खेलने में आपको पूरा महीना तो चला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने कार को लेके ऑफरोड जंगल एरिया में चेक पॉइंट से डेस्टिनेशन में लेकर जाना होगा, और गेम का एनवायरमेंट व्यू जस्ट लाजवाब है। साथ ही साथ 15+ ऑफरोड कार्स अवेलेबल है जिसमें ट्रक एंड बागी भी देखने को मिलता है। गाइस एक और चीज बताना तो भूल ही गया हूँ कि यहाँ पे स्टैंडर्ड, चैलेंज, एक्सट्रीम एंड रेस मोड, ट्रक एंड मार्डी एरिया मोड देखने को मिलेगा। गाइस ग्राफिक्स रियली बहुत ही रियलिस्टिक है, एंड एनवायरमेंट साउंड जस्ट ओपी होने वाला है। तो भाई अगर आपके पास मिनिमम 2GB रैम का डिवाइस है तब भी इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। गाइस हमारे इस सीरीज में नंबर 2nd रैंक पर है ऑफरोड 4x4 ड्राइविंग सिमुलेटर। ये एक ऑफलाइन गेम है, तो भाई इस गेम के बारे में बोले तो यहाँ पे काफी बड़ा लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है जहाँ पे आप कहीं पर भी जा सकते हो, लाइक मार्डी रोड ड्राइविंग रिवर के ऊपर एंड हिल ऑफरोडिंग भी कर सकते हो। और भाई जब आप मार्डी रोड के ऊपर में ड्राइविंग करोगे ना, तब गाड़ी में बहुत कीचड़ लग जाता है, देन पानी के ऊपर से ड्राइविंग करने के बाद सब कुछ क्लीन हो जाता है जो एकदम रियल के जैसा वाइब्स देता है। साथ ही साथ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेवल्स देख पाओगे जिसको कम्प्लीट करके बहुत मजा आता है। बिसाइड इसमें टोटल 5 व्हीकल्स अवेलेबल है जिसमें थार, SUV एंड फोर्ड गाड़ी देखने को मिलता है जिसको अपने हिसाब से फुल्ली मॉडिफाई भी कर सकते हो। और भाई ग्राफिक्स जस्ट माइंड ब्लोइंग है, कम्प्लीटली नेचर को इतना अच्छा से डेवलप किया है, जब खेलोगे तब समझोगे। इस गेम के बारे में और नहीं बोलूंगा, अगर आपके पास मिनिमम 4GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ स्मूथली एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं लास्ट गेम में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 धमाकेदार गेम में, और वो गेम है मड रनर। इस गेम के बारे में कौन नहीं जानते हो, ये गेम पहले से ही PC एंड कंसोल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। बेसिकली इस गेम में बहुत बड़ा एक रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड मैप है जो कम्प्लीटली एक जंगल एंड लेक एरिया के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप फ्री रोमिंग एंड बहुत सारे अमेजिंग मिशन खेल सकते हो, और भाई सभी मिशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। साथ ही साथ आप चाहो कार्स या तो ट्रक,
वो कम्प्लीटली मिशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस गेम का ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स क्वालिटी रियली बहुत ही रियलिस्टिक है एंड नेचर साउंड जस्ट ओपी होने वाला है। और भाई जब आप हॉर्न मारोगे ना तब पेड़ के ऊपर से बर्ड्स का उड़ने का साउंड भी सुन पाओगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में एक बहुत बड़ा लार्ज ओपन वर्ल्ड मैप जिसमें बहुत सारे अमेजिंग मिशंस को कंप्लीट करने में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो भाई अगर आपके पास एक एंटीवायरस है तो इस गेम को डेफिनेटली खेलना चाहिए, अदरवाइज एक बहुत अच्छा गेम को मिस करोगे। तो भाई मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है, एक्चुअली सभी गेम्स में रियलिस्टिक ग्राफिक्स ढेर सारे मिशन देखने को मिलेगा, तो कौन सा गेम आपको डाउनलोड करना चाहिए वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपने डिवाइस के हिसाब से। तो अगर आपके पास एक 1GB या तो 2GB रैम का डिवाइस है तो आपके लिए नंबर 4 और 3 गेम बेस्ट होने वाला है, और अगर आपके पास एक हैंड डिवाइस है तो आपके लिए सारे के सारे गेम बेस्ट होगा। फिर भी उनमें से आई पर्सनली रिकमेंडेड यू कि आप लोग नंबर 5, 2 और नंबर 1 गेम को आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके 100K कंप्लीट करवा दो यार। तो फिर मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।